देखती आंखों और सुनते कानों को हक का सलाम स्टूडेंट्स इंटर पार्ट टू चैप्टर टू डिफ्रेंसीेशन के ऊपर एक्सरसाइज टू पॉइंट नाइन के क्वेश्चन थ्री तक हम लोग सॉल्व कर चुके हैं और नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर फोर और फाइव और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए क्वेश्चन नंबर फोर Show that y is equal to natural log of x over x has maximum value at x is equal to e. स्टूडेंट्स एक्सट्रीमा का जो प्रॉब्लम है वो हम लोग पूरी एक्सरसाइज में सॉल्व करते रहे हैं इन तीन स्टेप्स के ऊपर स्टेप वन में हमने इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है और स्टेप टू में उस डेरिवेटिव को जीरो पुट करके एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो आइए पहले देखिए ये दो स्टेप अगर हम इसका डेरिवेटिव फाइंड करें डी वाई ओवर डी एक्स डी ओवर डी एक्स नेचुरल लॉग ऑफ एक्स ओवर एक्स यहाँ लिख लीजिए डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स और इस पर अब हम लगाएंगे क्वेश्चन रूल यू ओवर वी फॉर्म क्या था फार्मूला उसका यहाँ से वी से स्टार्ट लेंगे वी डेरिवेटिव ऑफ यू माइनस का यू डेरीवेटिव ऑफ वी डिवाइडेड बाय वी का स्क्वायर एक्स लॉग ऑफ एक्स का स्टूडेंट्स डेरिवेटिव होता है वन ओवर एक्स फिर माइनस का लॉग ऑफ एक्स एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स वन यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा वन माइनस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स ओवर एक्स स्क्र और डी वाई ओवर डी एक्स ये आया जी इसका फर्स्ट डेरिवेटिव स्टेप टू हमारा ये है कि इस फर्स्ट डेरिवेटिव को हम ज़ीरो पुट करेंगे वन माइनस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स ओवर एक्स स्क्र इज़ इक्वल टू ज़ीरो और यहाँ से हमने एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है वन माइनस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू जीरो वन इज़ इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स और इस वन को हम लिख रहे हैं लॉग ऑफ ई लॉग ई की वैल्यू बराबर होती है वन के दोनों तरफ से अगर एंटी लॉग लें तो यहाँ से एक्स बराबर किसके आ जाएगा ई e के ये स्टूडेंट हमारे दो स्टेप हो गए एक्स की वैल्यू भी आ गई अब थर्ड स्टेप ये है कि इसमें हमने सेकंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है और उस सेकंड डेरिवेटिव में एक्स की जगह पर हम क्या लिखेंगे वैल्यू ई e? और चूंकि उसने कहा कि ये मैक्सिमम होना चाहिए तो भाई मैक्सिमम के लिए सेकंड डेरिवेटिव का आंसर नेगेटिव आना चाहिए अगेन डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स फिर दोबारा इसका डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ लिखेंगे डी स्क्र वाई ओवर डी एक्स स्क्र और डी ओवर डी एक्स वन माइनस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स ओवर एक्स स्क्र और इस पर क्वेश्चन रूल हम लगाएंगे यू ओवर वी फॉर्म जी यू ओवर V फॉर्म में स्टार्ट लेंगे V से V डेरिवेटिव ऑफ यू फिर माइनस का यू डेरिवेटिव ऑफ V डिवाइडेड बाय V का स्क्वायर एक्स स्क्वायर का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो एक्स की पावर फोर हो जाएगी फिर एक्स स्क्वायर कांस्टेंट का डेरिवेटिव ज़ीरो लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव वन ओवर एक्स फिर माइनस वन माइनस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स एक्स स्क्र का डेरिवेटिव टू एक्स आ जाएगा डिवाइडेड बाय एक्स रेज टू पावर फोर माइनस एक्स फिर माइनस वन माइनस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स इंटू टू एक्स डिवाइडेड बाय एक्स रेज टू पावर फोर अब इस सेकेंड डेरीवेटिव में हमने वैल्यू बुट करनी है एक्स की एक्स इज इक्वल टू ई अगर एक्स की जगह पे मैं ई e लगाता हूँ तो माइनस ई वन माइनस लॉग ऑफ ई टू इंटू ई ई रेस टू पावर फोर लॉग ई जो कि वन के बराबर होता है तो यहाँ पर वैल्यू जब वन आएगी तो वन माइनस वन ज़ीरो माइनस ई माइनस ज़ीरो ई रेस टू पावर फोर माइनस वन ओवर ई क्यू ये सारी वैल्यू नेगेटिव आ रही है लेस देन ज़ीरो आ रही है और जब लेस देन ज़ीरो आए तो हमारा फंक्शन क्या होता है मैक्सिमम एट एक्स इज इक्वल टू ई और यही बात प्रूव करनी थी कि साबित करो कि ये फंक्शन हमारे पास मैक्सिमम है एट एक्स इज टू ई Shows, y is equal to नेचुरल लॉग ऑफ x ओवर x इज maximum एट x is equal to e के okay, e पॉइंट पर हमारा फंक्शन मैक्सिमम आ गया क्योंकि इसका सेकंड डेरिवेटिव e पॉइंट के ऊपर नेगेटिव आ रहा है नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन फाइव क्वेश्चन फाइव भी लॉन्ग क्वेश्चन में फाइव मार्क्स क्वेश्चन में एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन फाइव है जी शो डेट वाई इज इक्वल टू एक्स रेस टू पावर एक्स मिनिमम वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू वन ओवर ई अब साबित करना है कि ये हमारे पास फंक्शन मिनिमम है एट एक्स इज इक्वल टू वन ओवर वी और मिनिमम के लिए आपको साबित करना पड़ेगा कि इस ई वन ओवर ई पॉइंट के ऊपर हमारा सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आता है ग्रेटर देन जीरो आ रहा है सॉल्व करते हैं जी सॉल्यूशन y इज इक्वल टू एक्स रेस टू पावर एक्स ये स्टूडेंट्स आ गई है वेरिएबल रेस्टू पावर वेरिएबल और जब वेरिएबल रेस्टू पावर वेरिएबल हो तो हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं नेचुरल लॉग लेके तो यहाँ हम लिखेंगे नेचुरल लॉग ऑफ वाई नेचुरल लॉग ऑफ एक्स रेस्टू पावर एक्स फ़र्दर इसमें हम लॉ की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे कि ये एक्स पहले आ जाएगा लॉ के आगे फंक्शन की पावर हो तो वो लॉग से पहले आ जाती है अब लिखिए डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स डी ओवर डी एक्स नेचुरल लॉग ऑफ वाई डी ओवर डी एक्स एक्स इंटू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स लॉग वाई का डेरिवेटिव स्टूडेंट्स हो जाएगा वन ओवर वाई फिर इस वाई का भी डेरिवेटिव लेना है वो आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स लॉग ऑफ वाई का डेरिवेटिव वन ओवर वाई और जब इस वाई का डेरिवेटिव लेंगे तो डी वाई ओवर डी एक्स और इस पर यू इन वी फॉर्म यू डेरिवेटिव ऑफ वी प्लस वी डेरिवेटिव ऑफ यू पहला फंक्शन वैसे ही दूसरे का डेरिवेटिव फिर दूसरा फंक्शन और पहले का डेरिवेटिव डी वाई ओवर डी एक्स आ जाएगा जी वाई इस तरह मल्टीप्लाई कर दें फिर एक्स लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव वन ओवर एक्स फिर लॉग ऑफ एक्स और एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स आ जाएगा वन वाई की वैल्यूज लगाइए तो डी ओवर डी एक्स वाई नाम था एक्स रेज टू पावर एक्स एक्स रेज टू पावर एक्स वन प्लस लॉग ऑफ एक्स ये आया जी इसका फर्स्ट डेरिवेटिव। स्टूडेंट्स अभी हम आ, हमने कंप्लीट किया अपना स्टेप वन सेकंड स्टेप ये है कि इस फर्स्ट डेरिवेटिव को हम जीरो पुट करके एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे पुट डी बाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू जीरो यानी एक्स रेस टू पावर एक्स वन प्लस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो अब x रेज टू पावर x ये तो जीरो के बराबर नहीं हो सकता भाई ये तो हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन था ये तो हमारा क्वेश्चन है तो वन प्लस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस वन लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ ई लॉग ई जो है वो वन के बराबर होता है इसी को हम लिख सकते हैं लॉग ऑफ ई रेस टू पावर माइनस वन लॉ की प्रॉपर्टी यूज़ करें लॉ के आगे फंक्शन की पावर हो तो वो लॉक से पहले आ जाएगी दोनों तरफ अगर हम एंटी लॉग ले लें तो एक्स बराबर हो जाएगा ई रेस टू तो पावर माइनस वन एक्स बराबर हो जाएगा वन ओवर ई के ये दो स्टेप हो गए जी अब तीसरा स्टेप ये है कि हमने इस फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव लेना है यानी ये जो इक्वेशन नंबर वन है इसी को फिर हमने दोबारा डिफ्रेंशिएट करना है जी इसे अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे सेकेंड डेरीवेटिव को लिखेंगे डी स्क्र वाई ओवर डी एक्स स्क्र और इस पर फिर प्रोडक्ट रूल यू इंटू वी फॉर्म यू डेरीवेटिव ऑफ़ वी फिर प्लस का वी डेरिवेटिव ऑफ़ यू एक्स रेज टू पावर एक्स कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव जीरो लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव वन ओवर एक्स फिर प्लस वन प्लस लॉग ऑफ एक्स और एक्स रेज टू पावर एक्स का डेरिवेटिव स्टूडेंट्स ये इक्वेशन नंबर वन से देखिए ये हमने वाई की वैल्यू पुट की थी दोनों तरफ तो एक्स रेज टू पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या है एक्स रेज टू पावर एक्स इन टू वन प्लस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स तो इसका डेरिवेटिव हम इक्वेशन वन से लिखेंगे एक्स रेज टू पावर एक्स इन टू वन प्लस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स दोबारा से इसे डिफ्रेंशिएट करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर हमने दोनों तरफ नेचुरल लॉग लिया था जब क्वेश्चन सॉल्व किया है तो सारा सॉल्व करके एक्स रेज टू पावर एक्स का ये डेरिवेटिव बना है इसी को हम यूज़ करेंगे अब आपने इसमें एक्स की जगह पे वन ओवर ई लगाना है जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पर वन ओवर ई और आप देखिए कि वन प्लस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स किस चीज़ के बराबर है ज़ीरो के इसे इक्वेशन नंबर टू कह दें तो इस एक्स की जगह पे वन ओवर ई उसकी पावर में वन ओवर ई और वन ओवर एक्स की जगह पे ई पुट करेंगे एक्स की जगह पे वन ओवर ई है तो वन ओवर एक्स की जगह पे ई आ जाएगा प्लस इसकी वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी फ्रॉम टू इक्वेशन नंबर टू में अगर आप देखें तो वन प्लस लॉग ऑफ एक्स किस चीज के बराबर है जीरो के या आप इसमें एक्स की जगह पे वन ओवर ई पुट कर दें तब भी इसका आंसर किस चीज के बराबर आएगा जीरो तो फाइनली ये आंसर बना हमारे पास वन ओवर ई रेज टू पावर वन ओवर ई इन टू ई सारा आंसर पॉजिटिव आ रहा है ई e की अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है टू पॉइंट सेवन वन या आप चैप्टर नंबर वन में वहाँ पर आप पढ़ के आए हैं कि ई e किस चीज़ के बराबर होता है टू पॉइंट सेवन वन अप्रॉक्सीमेट वैल्यू तो ये सारा आंसर हमारा पॉजिटिव आ रहा है तो जब सेकंड डेरिवेटिव किसी पॉइंट के ऊपर पॉजिटिव आ जाए तो फंक्शन क्या है मिनिमम है तो लिखेंगे इसको मिनिमम एट एक्स इज़ इक्वल टू वन ओवर ई और यही प्रूफ करना था जी आज हमारी एक्सरसाइज टू पॉइंट नाइन कंप्लीट हो गई है नेक्स्ट लेक्चर में हम टू पॉइंट टेन सॉल्व करेंगे थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो